दे आर आल वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द फैमिली एसिपडेसी कॉमनली नाउन एज मिल्क वीट फैमिली इस वीडियो लेक्चर में हम एस्पिडेसी फैमिली के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे इस फैमिली को कामनली मिल्क वीट फैमिली भी कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन अब कहाँ कहाँ पर इसके मेंबर्स पाए जाते हैं और कितने जनरा और कितने स्पीशीज़ हैं तो इस फैमिली में टोटल टू फिफ्टी जनरा है और टू थाउजेंड स्पीशीज़ हैं इन टू फिफ्टी जनरा में डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन एंड एफ यू आल्सो इन टेम्परेट रीजन इनके मम्बर्स जो है वो कामनली जो है ट्रॉपिकल और सब रीजन ऑफ वर्ल्ड में पाए जाते हैं लेकिन कुछ मेंबर्स जो है वो टेम्परेट रीजन में भी पाए जाते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैमिली तो फैमिली के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि कैसे फैमिली को हम इसके मेंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे हैबिट्स सबसे पहले कि इनका जो लाइफ फॉर्म है तो हमें किस तरह की हैबिट मिलेंगे तो प्लांट जो है वो और ट्विनिंग पेरीनियल हार्ब शर्ब्स वाइन्स और रेयरली स्माल ट्रीज तो ज़्यादातर जो प्लांट्स है वो तो हार्ब्स होते हैं हर्ब्स जो है उनका स्टेम इरेक्ट होगा या ट्विनिंग होगा जैसे कि स्क्लिपियास जीनस में है कुछ शब्स भी है जैसे हमारे पास केलोट्रापस प्रोसेरा जिसको पश्तो ज़ुबान में हम स्पल में कहते हैं वाइन्स कुछ जो है वाइन्स है क्लाइम्बर्स है जैसे कि लिप्टेडिनिया जीनस है और कुछ जो है तो वो स्माल ट्रीज है जैसे कि हमारे पास किलोट्रापस जाइगेंटिया है ये भी बिल्कुल प्रोसेरा ही की तरह होता है किलोट्रापस प्रोसेरा ही की तरह होता है लेकिन ये है कि इनका जो साइज़ है वो लार्ज होता है तो इस वजह से इसको जैगेंटिया भी कहते हैं क्योंकि ये स्मॉल ट्री लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है लार्जर इन साइज होता है लीव्स अब लीव्स किस तरह है तो लीव्स मोस्टली सिंपल है यूजुअली अपोजिट जैसे केलेक्ट्रोपस प्रोसेना में है समटाइम्स अल्टरनेट आर इन रिड्यूस्ड आर इवन एबसेंट इन सकुलेंट स्पीशीज़ तो सिंपल लीफ है सिंपल लीफ से मुराद ये है कि जो लीफ़ लेमेना है तो वो डिवाइड नहीं है बल्कि इंटेक्ट है एक लीफ लेमेना है लीफ में और लीफ जो है यूजुअली अपोजिट होते हैं अपोजिट का मतलब ये कि एक ही नोट पर दोनों साइड्स पर स्टम के जो है तो लीव्ज होते हैं एक एक साइड पर होता है और दूसरा दूसरे साइड पर सेम नोट पर बाज़ में जो है तो अल्टरनेट लीव्स होते हैं मतलब कि एक नोट पर एक साइड पर एक लीफ तो नेक्स्ट नोट पर जो है तो दूसरे साइड पर लीफ होता है कुछ में वर्ल्ड लीफ भी होता है मीन्स के जो नोड है तो सिंगल नोट पर आल एराउंड लीव्स मौजूद होते हैं बाद में लीव्स रिड्यूस्ड होते हैं या कम्प्लीटली एबसेंट होते हैं जैसे कि सकुलेंट स्पीशीज़ है कैरालूमा uh, के जो स्पीशीज़ है स्पेशली तो उसमें जो है तो लीव्स एबसेंट होते हैं यूजुअली एक्स्ट्यूलेट आर स्टेप्यूल माइनूट इफ प्रेजेंट। मार्जिन जनरली एंटायर ऑफन है वैक्सी कोटिंग लीफ जो है तो ज़्यादातर तो एक्स्ट्रप्यूलेट होते हैं स्टप्यूल तो आप जानते हैं कि जो लीफ बेस पर एक स्केली स्माल लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेप्यूल कहते हैं तो ये स्टेप्यूल जब एबसेंट हो तो ऐसे लीफ को एक कहते हैं या अगर स्टप्यूल प्रजेंट हो तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज होता है अब लीफ का जो मार्जिन है वो एंटायर है मीन्स के स्मूथ है कोई भी डेंटेशन कट्स वगैरह नहीं है लीफ पर एक टफ वैक्स का लेयर चढ़ा होता है क्योंकि ज़्यादातर ये स्पीशीज़ ट्रॉपिकल और सब ट्रापिक में पाए जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा एनवायरनमेंट हार्ट होता है तो इस वजह से वैक्सी लेयर होता है जिसकी वजह से लीफ जो है तो काफ़ी थिक या मोटा होता है रूट टैप रूट एंड ब्रांच आर एडवेंटिशियस तो बाज़ प्लांट्स में जो है तो टैप रूट है और वो ब्रांच है बाज़ में एडवेंटिशियस है जैसे कि के, कैरेलूमाट ट्यूबरकुलेटा वगैरह हो गए स्टम वुडी क्लाइंबिंग एंड ब्रांच स्टिम जो है तो जो हर्ब्स से उनमें ज्यादा ही बात है हर्बेशियस है जो स्मॉल ट्रीज है जैसे केलोट्रापस जाइगेंटिका तो उनमें वुडी स्टेम होगा जो वाइन्स है तो उनमें क्लाइंबिंग होगा और स्टम जो है तो वो सब फार्म्स में ब्रांच है मीन के काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस प्रेजेंट है इनफ्लोरेसेंस मोस्टली सैमोज पटालसो रेसीमोज आर अम्बिलेट ली जो इनफ्लोरेसेंस है तो वो सैमोज है मोस्टली लेकिन रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस भी पाया जाता है बाज में जो है तो अम्बिलेट इनफ्लोरेस है जैसे कि स्टेपीलिया जीनस है तो वहाँ पर बिलेट इन फ्लोरेसेंस आपको मिलेगा फ्लावर ब्रेक्टिएट आफन ब्रैक्टोलेट कम्प्लीट एक्टिनोमार्फिक रेयरली जाइगोमार्फिक हर्मेफ्रोडाइट पेंटामेरस हाइपोगाइनस साइक्लिक। अब फ्लावर हमारे पास जो है तो वो ब्रेक्टिएट है मीन्स के जो फ्लोरल स्टाक है आ, उसके नीचे न, न, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है उनको ब्रैक्ट्स कहते हैं तो जब ये ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हो तो ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टिट कहते हैं ब्रैक्टिट अगर जाहिर बात है कि साइमोज या रेसीमोज इनफ्लोरेस है या एम्बीलेट तो हर एक पर फ्लावर के नीचे फर्दर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है तो उनको पर ब्रेक्टियोल्स कहते हैं और ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टिट फ्लावर कहते हैं फ्लावर कंप्लीट है मतलब के जो जितने भी फ्लोरल पार्ट्स है कैलेक्स करोला और एंड्रोशियम गनीशियम तो वो प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट कहते हैं एक्टिनोमार्फिक मार्फिक मीन्स के रेगुलर फ्लावर है एक से ज़्यादा प्लेन या एक्सिस के थ्रू हम इक्वल हाउस में डिवाइड कर सकते हैं रेयरली हमारे पास फ्लावर जो है तो वो जैगो मार्फिक है इसके सिर्फ एक ही प्लेन के थ्रू हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जैसे कि हमारे पास सीरोपीजिया जीनस जो है उसमें जैगोमारफिक फ्लावर है हर्मेफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर में है स्टेबल और कार्पल एक ही फ्लावर में प्रजेंट है पेंटामेरस का मतलब यह है कि जितने भी फ्लोरल पार्ट्स है स्पेशली जो कैलेक्स और करोला है तो वो फाइव इन नंबर या फाइव मल्टीपल इन नंबर है हाइपोगाइनस है फ्लोरल पार्ट्स जो है वो ओवरी के नीचे से एराइज होते हैं तो ऐसे फ्लावर को हम हाइपोगाइनस कहते हैं, साइक्लिक है, कि सर्कुलर फ्लावर है गोल है हाइपोगाइनस में हमारे पास जो थ्री फ्लोरल पार्ट्स है कैलिक्स करोला और स्टेमस तो वो ओवरी के नीचे से एराइज होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं कैलिक्स फाइव फ्री आर बेसली यूनाइटेड सेपल्स फार्मिंग ए शार्ट ट्यूब स्टेशन वेलवेट इम्रिकेट आर क्विकनशियल कैलिक्स जो है पाँच नंबर में होते हैं या तो फ्री होंगे पोली सेप्लस होंगे या फिर बेसली यूनाइटेड होंगे मीन के गेमोसेपलस कंडीशन होगा और गेम से प्लस कंडीशन में फिर एक ट्यूब सा बनाते हैं नीचे से अब एस्टिवेशन डिफरेंट है अगर फ्री है तो वेलवेट होगा इमरिकेट हो सकता है और पिन कंशियल कंडीशन भी पाए जाते हैं तो तीन टाइप्स के एस्टिवेशन कंडीशन हमारे पास इस फैमिली में मौजूद है करोला तो नंबर ऑफ पेटल्स फाइफ गेमो पेटल्स के जितने भी पेटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं कंटोर्ट कंटोटेड का मतलब यह है कि ट्विस्टेड होते हैं पेटल्स जो है वो ट्विस्ट हुए होते हैं फ्यूज है लेकिन जो बेल लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं वो ट्विस्टेड होता है स्टेशन इम्ब्रिकेट आर वेलवेट है करोला ट्यूब आफ अन शार्ट एंड विद लोब्स अब uh, किस तरह हम पहचानते हैं कि फाइव पेटल्स हैं तो ऊपर लोब्स बने हुए हैं पेटल्स तो फ्यूज़ है लेकिन हर एक पेटल का एक लोब है एपिक्स पर अलग सा करोला ट्यूब इज़ैम मार्फिक इन सीरोपीजिया फनल फॉर्म इन क्रिप्टोस्टीजिया एंड कंपेन्यूलेट इन जिमनीमा तो इन में हमारे पास करोला जो है वो जैगो है सीरोपीजिया में वो तो स्टार्ट में हमने पढ़ा कि सिरोपिजिया का फ्लावर जो है वो भी जयगो मार्फिक है फनल शेप्ड है ए, कीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर है क्रिप्टोस्टिजिया में जो कि जीनस क्रिप्टोस्टिजिया है और कम्पिन्यूलेट कम्पेन्यूलेट तो जानते हैं बेल शेप्ड स्ट्रक्चर uh, होता है जो गाय बेंस वग़ैरह के गले में वो बेल बांधते हम तो उसको कैम्पन्यूलेट उस टाइप के स्ट्रक्चर को या फ़्लावर पेटल्स के अरेंजमेंट को कैम्पे्यूलेट कहते हैं तो कैम्पिनट जो पेटल कंडीशन है वो पाया जाता है जिम्नीमा जीनस में एंड्रूशियम अब एंड्रूशियम जाहिर बात है कि तो आल स्टेमंस को हम एंड्रूशियम कहते हैं तो फाइव स्टेमंस हैं हमने स्टार्ट में पढ़ा कि पेंटामेरस फ्लावर है इपीपेटल है मींस के जो स्टेमज़ है वो पेटल्स के ऊपर या पेटल्स के साथ अटैच है रेयरली डिस्टिंक्ट मींस के पेटल्स से अलग अलग और एक दूसरे से भी अलग है पोलन इन वैक्सी पोलिनिया पोलन ग्रेन जो है वो वैक्सी पोलिनिया मीन्स के उन्होंने एक बंच सेक सा बनाया होता है तमाम पोल्स ने

स्क्रपड है फैमिली का और ये अक्सर एमसीक्यूज आता है ए, फ, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और जो प्रोवेंशल पब्लिक सर्विस कमीशन है उनमें ये एम आता है गाइनोस्टीजियम कंडीशन कौन से फैमिली में पाया जाता है या गाइन कंडीशन तो इसकेसी में पाया जाता है तो ये इनका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है अब क्या होता है कि एक तो जितने भी स्टेमन हैं उनके फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए होते हैं तो इस कंडीशन को कोनेट कहते हैं और एक शार्ट ट्यूब बनाया होता है और उसके बाद ये ट्यूब जो है ये एडनेट मीन्स के अटैच्ड है जो स्टिग्मा एरिया है गाइनिशियम का गाइनीशियम का तो या कार्पल का हमें पता है कि थ्री पार्ट्स होते हैं स्टाइल और आ, स्टिग्मा और ओवरी होता है स्टिग्मा ऊपर वाला फिर नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको स्टाइल कहते हैं और नीचे ओवरी तो ये जो आ, हमारे पास एंथर्स uh, है तो वो uh, ओवर या गायनिशियम के स्टिग्मा पार्ट के साथ फ्यूज्ड हुए होते हैं एडनेट मतलब के अटैच होना तो जो स्टिग्मा पार्ट है उसके साथ अटैच है स्टिग्मा जो ऊपर क्राउन सा स्ट्रक्चर होता है एक्सपेंडेड कार्पल का तो उसको स्टिग्मा कहते हैं तो उसके साथ अटैच होते हैं और जब हमारे पास स्टेमन जो है वो अटैच होते हैं कारपल के साथ कार्पल तो के किसी भी पार्ट के साथ चाहे वो ओवरी हो स्टाइल हो या हो तो इस कंडीशन को फिर हम गाइनोस्टीजियम कंडीशन कहते हैं या गाइनेंड्रियम कंडीशन कहते हैं गाइनोस्टीजियम या गाइनेंड्रियम कंडीशन कहते हैं और ये इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है अक्सर जो है तो एज ए एमसीक्यू आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स में एंटर्स आर टू सेल्ड एंड देयर पोलन्स ऑफन यूनाइटेड विद इन ईच एंथर सेक इंटू ए स्ट्रक्चर कार्ड पोलिनियम जो एंथर्स है तो वो हमारे पास टू सेल्ड मीन्स के बाईलोब है दो सेक्स पर मुश्तमिल है एक एंथर और फिर फर्दर हर एक सेक में जो पोलन ग्रेन होते हैं तो वो भी यूनाइटेड होते हैं और एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है जिसको पोलिनियम कहते हैं गाइनीशियम बाई कार्पेलरी मतलब कि टू कार्पल्स होते हैं एक फ्लावर में द कार्पल्स आर फ्री बिलो बट यूनाइटेड बाय देयर आर एपिस द सिंगल फाइव स्टिग्मा नीचे से तो ओवर और स्टाइल जो है हर एक कार्पल का अलग अलग होता है लेकिन ऊपर जो स्टिग्मा है वहाँ पर दोनों कार्पल्स फ्यूज हुए होते हैं और एक फाइव लोप्ड सिंगल स्टिग्मा बनाया होता है ओवरी सुपीरियर है और हर एक कार्पल के ओवरी जो है तो वो यूनिला है मतलब कि हर एक ओवरी में एक चैम्बर है और न्यूमरस ओव्यूल्स होते हैं हर एक लाक्यूल में प्लेसेंटेशन जो है वो मार्जिनल है इस फैमिली में तो वही बात है कि ये जो स्टिकमा पर दोनों कार्पस फ्यूज है यही स्टिकमा जो है तो फर्दर फ्यूज है विद स्टेम आल स्टेम और इस कंडीशन को गाइनोस्टिजियम भी कहते हैं फ्रूट एंड सीड्स फ्रूट इज़ ए पेयर ऑफ फॉलिकल्स आ फिच वन एबॉट्स दो फालिकल होते हैं फ्रूट जो है तो वो फालिकल है लेकिन पेयर फार्म में होता है एक जो है तो उस वो गिर जाता है जल्दी सीड न्यूमरस होते हैं मतलब कि एक ही फ्रूट में सीड की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है विद टफ ऑफ सिल्की हेयर कोमा और हर एक सीड के साथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको कोमा कहते हैं ये कोमा जो है सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं एम्ब्रियो जो है वो स्ट्रेट है और लार्जर इन साइज़ है नियरली एज लॉन्ग एज सीड एम्ब्रियो का लेंथ इतना होता है जितना सीड का लेंथ होता है और थिन एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म जो है तो वो बहुत कम होता है पोलिनेशन एंटोमोफिलस है इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन होती है इनमें जो फ्लोरल फार्मूला है तो स्टार्ट में हमने पढ़ा के ब्रेक्टिएट है फ्लावर तो बी आर का मतलब ब्रेक्टिएट एक्टिनोमार्फिक रेगुलर है और बायसेक्शुअल है हमने पढ़ा कि हरमेफाइट है तो हर्मेफ्रोडाइट बायोसेक्शुअल है केलिक्स नंबर ऑफ फाइव है या तो फ्यूज होंगे या फिर फ्री होंगे करोला तो पेटल्स की तादाद फाइव है और हमने पढ़ा कि गेमो पेटल्स कंडीशन है सारे पेटल्स फ्यूज हैं एंड्रोशियम स्टेमन्स की तादाद पाँच है और सारे स्टेमनस फ्यूज है और ई है पेटल्स के साथ भी फ्यूज है तो ये ऊपर अगर आप देखें सी और ए के दरमियान एक लाइन है जो कि सी को कनेक्ट करता है ए के साथ इसका मतलब है ई कंडीशन ये वाला लाइन जो है ये इपी कंडीशन के लिए कि स्टेमस क्या है ई है फिर गाइनशियम हमारे पास तो दो कार्पल्स पर मुश्तम होता है फ्यूज है ओवरी ही है और ये जो गायनीशियम है तो ये स्टेमंस के साथ अटैच है तो ये भी अटैचमेंट के लिए है मींस के दोनों एक दूसरे के साथ जो स्टेमन्स है या एंड्रूशम है और गाइनीशियम है वो भी एक दूसरे के साथ अटैच है तो ये साइन अटैचमेंट के लिए है। ये साइन भी यहां पर अटैचमेंट के लिए इफी कंडीशन में स्टेमस अटैच होते हैं कार्पल्स के सॉरी करोला के साथ थैंक यू जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं तो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की अगर हम बात करें तो कैलोट्रापस जैगेंटिया कामनली प्रेजेंट है केलोट्रापस प्रोसेरा जिसको पश्तो में ला लोकल लैंग्वेज में हम स्पलमे कहते हैं टाइलोफोरा इंडिका अग्जर स्टेलमा इसकुलेंटम एक कामन प्लांट है पिरिप्लोका एफाइला ये भी कामनली प्रेजेंट है केरल्यूमा ट्यूबर कॉमनली प्रेजेंट है ये प्लांट भी थैंक्स फॉर वाचिंग